Hello students, in this video I'll be telling you how to draw the graph of a quadratic function. So quadratic function ka general form kya hota hai? Y is equal to f of x is equal to ax squared plus bx plus c, and provided that a is not equal to 0. Theek hai? I can give you some examples. Examples would be y is equal to x squared minus 3x plus 2. Y is equal to 3 by 2 x squared plus x minus 5 and so on. बहुत सारे हो सकते हैं. In fact, ये भी quadratic equation है, quadratic function y is equal to x square by 2 minus 1. ये भी एक quadratic function हुआ, ठीक है? या फिर y is equal to 7 x squared plus x, ये भी quadratic function हुआ, ठीक है? तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें, in this particular example, इस example में a का value क्या है? 1, b का value minus 3, c का value 2, ठीक है? इस example में a का value क्या है? 3 by 2, इसमें b का value क्या है? 1, and c का value minus 5, ठीक है? In this example, x square का coefficient क्या है? Half है, तो a का value क्या हो गया? Half, x का coefficient 0 है, क्योंकि इधर x का term ही नहीं आ रहा, ठीक है? तो x का कोएफिशिएंट 0 मतलब b का वैल्यू क्या होगा 0 एंड c का वैल्यू क्या होगा -1. ऑलराइट, सिमिलरली इधर क्या होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 मतलब a का वैल्यू क्या होगा 7. फिर क्या बोलते हैं b का वैल्यू क्या होगा 1 होगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है एंड c का वैल्यू 0 है, ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि a शुडंट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो y वुड बी इक्वल टू bx + c एंड दैट इज सिंपली अ लीनियर फंक्शन. ओके, so this is the standard form of a quadratic function. अब ये quadratic function का जो graph होता है उसका nature क्या होता है, ठीक है? तो let's look at that. इसका nature, एक तो चीज देखना चाहिए कि it won't be a straight line, इसका graph would be some curve and that special curve is called a parabola. Okay, it's a parabola. तो how does a parabola look? What does a parabola look like? ऐसा दिखता है, ये अगर y, ये x, एक general form बता रहा हूँ parabola का, तो ये हुआ एक parabola, okay? Now, ये इस curve का placement, कि वो कौन से quadrants में है, क्या वो x-axis को cut करता है कि नहीं, वो सब depend करता है a, b और c के values पे, ठीक है? या उनके sign पे. तो, let's look at that. अब इसमें कुछ की पॉइंट्स जो मुझे बताना ये है कि अगर a पॉजिटिव हुआ, अगर a पॉजिटिव हुआ, ठीक है, a पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ जो रहेगा इट वुड बी ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड्स. ऑलराइट, और अगर a नेगेटिव है तो द ग्राफ वुड बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ऐसे. ओके, ये इसका नेचर होगा. मैं एक हाथ एग्जांपल भी दूंगा कैसे इसको देख सकते, कैसे सॉल्व कर सकते. नाउ दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का, दैट इज कि वो एक्स एक्सिस को किधर कट कर रहा है. तो एक्स एक्सिस को कट करने का बात अगर करें तो एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब हुआ कि उसका वाई का वैल्यू क्या होगा 0. ये दोनों पॉइंट्स पे, अगर मान लो यहाँ पे दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम टू पॉइंट्स पे कट कर सकता है, तो टू पॉइंट्स पे कट कर सकता है. एंड ये दोनों पॉइंट्स को कहते हैं रूट ऑफ दिस फंक्शन. मतलब ये अगर y का वैल्यू जीरो कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, देखो क्या मिल गया हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा? अल्फा बीटा, इफ यू रिमेंबर दैट, अल्फा एंड बीटा, ठीक है? तो ये जो पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट क्या रहेगा अल्फा कॉमा जीरो और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा बीटा कॉमा जीरो. एंड आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है? एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, तुम्हें वो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था इसका, डिस्क्रिमिनेंट या फिर इसका सीधा अगर मैं लिखूं, इसका x का वैल्यू क्या रहेगा इफ y इज इक्वल टू जीरो,
इफ वाई इज इक्वल टू जीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, ये जानते हैं सब, ठीक है। अब इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी जो रहता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस साइन, इसका इसके वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं, ओके। तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी यह है कि डी इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए सी, क्योंकि डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है तो बी स्क्वायर वुड बी ग्रेटर देन फोर ए सी। इसका मतलब ये जो कर्व होगा इट विल कट द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, ठीक है। वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस है, अगर एक प्लस लोगे तो एक वैल्यू रहेगा, माइनस लोगे तो एक वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू सॉल्यूशंस, ओके, इंप्लाइज कितने सॉल्यूशंस होंगे, टू सॉल्यूशंस, या फिर तुम ये कह सकते हो कि x एक्सिस को दो जगह कट करेगा ये ग्राफ, ठीक है। अगर d इज इक्वल टू जीरो मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, ये इसका मतलब होता है इट विल जस्ट ग्रेस थ्रू दैट, मतलब यू कुड से कि इस कर्व का जो टेंजेंट एट दिस पॉइंट दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक पॉइंट पे कट करेगा, मतलब कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, वन सॉल्यूशन, या फिर कहेंगे कि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, जस्ट वन, एंड दैट वुड बी द लोएस्ट पॉइंट, ओके, लोएस्ट और हाईएस्ट, क्योंकि वो ए पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो ए नेगेटिव होता तो इन दिस केस ऐसे ग्राफ होता, ठीक है, और इन दिस केस ग्राफ कैसा होता, ऐसे, ओके। दिस इज फॉर ए पॉजिटिव एंड दिस इज फॉर ए नेगेटिव, अगेन हियर ए पॉजिटिव एंड ये वाला किसके लिए, ए नेगेटिव, ओके। तो ये डी ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो हुआ। नाउ तुमने ये टेंथ स्टैंड में पढ़ा होगा कि डी अगर लेस देन जीरो है, मतलब डी नेगेटिव आता है, तो यू जस्ट से कि देर आर नो रियल रूट्स, ठीक है। तो उसका क्या है, उसका मतलब देखते हैं, डी इज लेस देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर इज लेस देन फोर ए सी। इसका मतलब जो ग्राफ होगा इट वुड बी लाइक दिस, इट इज नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट या इट इज नॉट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस, वो या तो ऐसा रहेगा इफ ए इज पॉजिटिव, या तो ऐसा रहेगा इफ ए इज नेगेटिव, एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशंस, ओके, देयर वुड बी नो सॉल्यूशन। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा रहना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला रहता है, ठीक है। तो इसको इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो इसका अगर तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहला चीज ये देखो कि इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। यू कुड सी दैट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, इट इज पॉजिटिव वन है, मतलब इसका ग्राफ का नेचर वुड बी अपवर्ड ओपनिंग, है ना, ओपनिंग अपवर्ड्स, राइट। एंड नेक्स्ट जो देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करता है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा एंड क्या ये कट कर रहा है कि भी नहीं, वो देख लेते हैं। वो देखने के लिए क्या करेंगे, डी देख लेते हैं। डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी कितना है, इधर देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है, वन, तो मतलब ये ग्राफ ऐसा रहने वाला। एंड बी कितना है, माइनस फाइव द होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए का वैल्यू है वन टाइम्स सी का वैल्यू है सिक्स, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 25 माइनस दिस इज इक्वल टू 24, तो डी का वैल्यू वन आया विच इज ग्रेटर देन वन, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स ये दो सॉल्यूशंस हो गए, टू पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है, इट वुड बी टू पॉइंट्स। नाउ लेट्स सी कि ये पॉइंट्स कौन से होंगे, तो कौन से होंगे पॉइंट्स कैसे पता लगेगा, वाई का वैल्यू क्या कर दो, जीरो,
वाई का वैल्यू जीरो कर दोगे तो यू व्हाट डू यू गेट, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू नो हाउ टू सॉल्व दिस. एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, टू कॉमा थ्री. ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, टू कॉमा थ्री, मतलब एक्स जब टू होगा तब वाई जीरो होगा, एक्स जब थ्री होगा तब भी वाई जीरो होगा. ठीक है, तो द की पॉइंट्स हियर आर कि इसका नेचर कैसे होगा, ऐसे ओपनिंग अपवर्ड्स एंड एक्स इज इक्वल टू टू और थ्री पे क्या बोलते हैं वो कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा. तो लेट सी व्हाट वुड द ग्राफ लुक लाइक. तो ये हुआ अपना एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस एंड यू कुड सी क्लियरली दैट बोथ दीज पॉइंट्स आर इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा एंड दिस वुड बी पॉइंट टू कॉमा जीरो एंड दिस वुड बी पॉइंट थ्री कॉमा जीरो. ओके, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. एंड यू माइट आस्क व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट, द लोएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले. तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आफ्टर आई टीच यू डिफरेंशियल कैलकुलस. उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट आएगा एंड उसमें से पता चलेगा दिस इज द मिनिमम वैल्यू. तो वो मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वील लुक इन टू इट लेटर. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेल यू अबाउट सम मोर अलजेब्रिक फंक्शंस लाइक एक्स स्क्वायर्ड, एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर इज बेसिकली क्या बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ओनली. तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स, वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर. ये चार फंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.